माया जादूगर मलतुरा जियो, ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। जय गणेश जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंतनोति भाजनम पुरारि पूर्वनंदनम सुरारि गर्वचर्वणम प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदानवारणम भजे पुराणवारणम। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। कांति मंत कांतकात्मजम अचिंत्य रूपमंतहीन मंतराय चिंतनम हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनां तमेकदंतमेव कं विचिंतयामि संततम्। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। महागणेश पंचरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरं अरोगतां अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। जय गणेश पाहि माम, जय गणेश रक्ष माम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस जादू की रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए ऐसा एक ग्लिटरिंग बॉल और एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा और नायलॉन थ्रेड धागे जो बिल्कुल पतले और नजदीक से देखने से भी नजर ना आए। जो पतला नायलॉन के धागा है वह ऐसे इस बॉल के अंदर से लेकर दूसरे पार निकाल देना है यहां से, और यहां पर गूंद से अच्छी तरह से चिपका देना है ताकि ये जो धागा है वह इसे खींचने से हिलना नहीं चाहिए, यहां पर फिक्स होना चाहिए। और इसके जो दूसरा सिरा है एक यहां से बाहर निकला है सिरा उसको भी, और दूसरी तरफ से जो धागे का सिरा आया है उसको भी इस सेफ्टी पिन के ऊपर पक्का बांध दीजिए ऐसा। अब इस पिन को पैंट की सीधाई में पिन कर दीजिए। अब ये दोनों धागे को, ये वाला धागा बाएं अंगूठे के बीच और ये वाला धागा दाहिने अंगूठे के बीच ले लीजिए। जो धागा यहां से आया है दाहिने अंगूठे के बीच से
आकर के ये पिन में बंधा हुआ है। ये हाथ को दाहिनी तरफ करेंगे तो बॉल दाहिनी तरफ जाएगा। अब बाएं हाथ को खींचेंगे, दाहिने हाथ को फ्री छोड़ देंगे तो बॉल बाएं तरफ चले जाएगा। दोनों को फ्री कर देंगे, थोड़ा सा हाथ को नीचे करेंगे तो बॉल नीचे जाएगा। तो इसी तरह से इसका मूविंग करते रहना है। इसको एक बार आप कपड़े और बॉल के ऊपर धागा बांधकर प्रैक्टिकली करेंगे तो पता लग जाएगा कि किस तरह से ये मूविंग होता है और कंट्रोल करना है। तो अभी कपड़ा ऐसा पकड़ लेना है, यहाँ से एक धागा है, एक धागा यहाँ से है, तो इसको दोनों को ऐसा फ्री करेंगे, हाथ थोड़ा नीचे करेंगे, बॉल नीचे चलता जाएगा। दोनों हाथ को ऐसा सीधा करेंगे तो ये बॉल ऊपर आएगा, और बाएं वाला हाथ को फ्री करके दाहिने वाला हाथ को ऐसा खींचेंगे तो बॉल दाहिनी तरफ चला जाएगा, और दाहिने वाला हाथ फ्री करके बाएं वाले को खींचेंगे तो बॉल बाएं तरफ जाएगा, और दोनों तरफ से फ्री करेंगे या इसको छोड़ के इसको फ्री करते जाएंगे, थोड़ा नीचे करते जाएंगे हाथ को तो बॉल नीचे चला जाएगा। तो नीचे आता रहेगा और थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते रहेंगे, दूर करते रहेंगे तो ऊपर। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो आप ये उंगली के यहाँ से धागा निकालने के बजाय इस तरह से दो पिन यहाँ पर लगा दीजिए धागा। अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो ये उंगली के बीच धागा लगाने के बजाय ऐसे दो पेपर क्लिप यहाँ पर लगा दीजिए, धागा पेपर क्लिप के अंदर से ले लीजिए और क्लिप को कपड़े में लगा दीजिए। दूसरे साइड में भी दूसरा पेपर क्लिप लगा दीजिए। ये धागे को पेपर क्लिप में डालने के बाद कपड़े का दूसरे एंड में लगा दीजिए। पेपर क्लिप को लगाने से क्या होगा, बॉल बिल्कुल फ्री जल्दी जल्दी मूव कर पाओगे। पेपर क्लिप लगाने के बाद बहुत ही स्पीड में आप बॉल को मूव कर सकते हो। अगर आप चाहे तो बॉल को कपड़े के उस तरफ भी मूव करा सकते हो। अब बॉल कपड़े के उस तरफ चला गया।